लास्ट वीक आई वाज टॉकिंग टू टू सीनियर रिव्यूअर्स मयंक शेखर और असीम छाबरा। दोनों ने एक ही बात कही थी कि यू नो कंटेंट डिवाइड हो जाएगा ऑनलाइन ओटीटी नेटफ्लिक्स प्राइम पे आप पंचायत गुल्लक और रियलिस्टिक सिनेमा देखोगे एंड यू वुड गो टू द थिएटर्स फॉर अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाट इज ट्रूली हैपनिंग। ब्लॉकबस्टर मूवी रिव्यू सुन रहे हैं आप संस्कृति के साथ एंड जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के बारे में मैं क्या कहूँ। आपको देखना है अगर लाइक आई सेड एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए तो आप जाओगे। यू नो ऑफ लेट सारी मूवीज ऐसी अच्छी कर रही हैं लाइक अ केजीएफ आरआरआर ऑफ कोर्स द एमसीयू यूनिवर्स एंड नाउ व्हाट इज बिगर देन डायनासोर्स। उससे बड़ा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं इस धरती पे। जी हाँ, ये मूवी है लास्ट इन द फ्रेंचाइजी ऑफ जुरासिक वर्ल्ड। लास्ट आई थी फॉलन किंगडम। इसमें है क्रिस प्रैट और उनकी पूरी टीम, उनकी एक बेटी जो एक्चुअली उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, और कैसे उनकी जिंदगियां चल रही हैं इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएचर्स इंक्लूडिंग डायनासोर्स। आई मीन जुरासिक वर्ल्ड जुरासिक पार्क टाइप की मूवीज 1990s से आ रही हैं, वी हैव लिटरली ग्रोन अप वॉचिंग देम। क्या नया कर सकते हैं इसमें। बट ट्रस्ट मी इट वॉज एन एक्सपीरियंस टू वॉच ऑल्सो फॉर अ रीजन दैट आई फील दैट एज मच एज वी लव सुपर हीरो मूवीज बट कहीं ना कहीं एक रेपिटेशन आ गया है। एक बंदा हॉट सा आएगा जो सुपर हीरो सूट पहनेगा किसी को मारेगा। ऑफ कोर्स विमेन भी आएंगी अब जो सुपर विमेन है बट यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल। बट नाउ हियर आर पीपल हु आर नॉट इन द वर्ल्ड वेयर पीपल आर फ्लाइंग एंड देयर इज नो मैजिक बट डायनासोर्स हैं और वो तो आपको मारने के लिए ही पड़े। जहां भी जाओ सिर्फ डायनासोर्स और बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं और ऑफ कोर्स उनका फायदा उठा रहे हैं लोग साइंस वर्ल्ड के। एक्चुअली ना इस मूवी में सिर्फ डायनासोर्स नहीं है। सो एक और एंगल है जहाँ पे एक बंदा है जिसने अपनी लैब में लोकस्ट को फार्म करना शुरू किया है ताकि वो कुछ चीज कर दे जो उसको बेनिफिट करेगी। बट अपेरेंटली ऐसा होता है कि वो लोकस्ट सारे फार्म्स और सारी चीजें जो उग रही हैं उसको खा जा रहे हैं एंड बेसिकली द वर्ल्ड वुड बी इन फैमिन एंड नोबडी विल हैव एनीथिंग टू ईट। ऑफ कोर्स गो वॉच द मूवी, इट्स फन, इट इज डीप, इट हैज गुड लाइंस बट साइंटिफिकली बहुत इनएक्यूरेट है यार। एक लाइन है जहाँ पे एक बंदी दूसरी बंदी को बोल रही है कि तुम्हारी माँ लाइट ईयर्स अहेड थी। एक्चुअली इफ यू नो लाइट ईयर इज नॉट अ काउंट ऑफ टाइम, इट्स अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बट ऑफ कोर्स इट टेक्स अ शेल्डन कूपर टू फिगर दैट आउट। द पॉइंट इज ऑफ कोर्स इन मूवीज में एक्यूरेसी मत ढूंढो यार। स्मार्टफोन्स के एरा में हमें डायनासोर नहीं मिलेगा बट व्हाट इफ दैट हैपेंस राइट। डायनासोर्स हु कैन फ्लाई, डायनासोर्स हु आर स्मॉल, बिग, बेबी, गुड, बैड, एवरीथिंग। By the way, last picture है, तो it won't be a spoiler to say this कि हाँ, all ends well and सब कुछ अच्छा हो जाता है। Movie थोड़ी ज्ञान भी दे देती है आपको कि हाँ, आप coexist करिए, बाकी प्राणी भी matter करते हैं and all of that. All in all, it's a cinematic treat to watch, something different and पूरा हॉल जहाँ मैं गई थी बच्चों और मम्मी पापा के साथ भरा था because this is a family film and you can enjoy it without any bars. और सारा थिएटर फैमिली क्राउड के साथ भरा हुआ था because this is truly a movie where kids can also enjoy. So if you have people around you who have children or teenagers, do go and watch this one. My rating for Jurassic World is 4 out of 5 shots. I will meet you next week again with another review on Earshot Podcast. Go follow us on Facebook, Instagram and Twitter @EarshotPodcast. I am saying goodbye for now. Earshot, here and now.